मास्क केवल दो व्यक्ति पहने, जिसको कोविड की बीमारी है और जो उसके केयर टेकर हैं, जो उसके परिजन हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बाकी सबको मास्क पहनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो मास्क शॉर्ट सप्लाई में जाएंगे ही नहीं। इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरह मैं ग्लव्स के बारे में बताऊंगा। ग्लव्स केवल और केवल WHO रिकमेंड कर रहा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, कहीं पर भी यह मेंशन नहीं है कि ग्लव्स जो है वो जनरल पब्लिक पहन के अपना काम करना है, ग्लव्स से शुरू कर दे, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम जुडिशियसली इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं पर भी शॉर्ट सप्लाई नहीं आएगी। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेस जो फ्रंट के ऊपर सिपाहियों की तरह लगे हुए हैं, उनके लिए एक तरह से रक्षा कवच है। अभी तक हमारे को PPT की किट्स भी मिल रही हैं, हमें ग्लव्स भी मिल रहे हैं, मास्क भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अगर पब्लिक एट लार्ज इन चीजों को इस्तेमाल करने लग जाएगी बिना रिकमेंडेशन के, तो फिर इसकी काफी शॉर्टेज हो सकती है। तो हमारे को पब्लिक को एजुकेट कर कि आपका रोल कहां तक है और क्या नहीं है। बिना बात के मास्क पहनना, बिना बात के ग्लव्स पहनना ना केवल अननेसेसरी खर्चा करता है, लेकिन यह भी करता है कि जिनको आवश्यकता है हेल्थ केयर वर्कर्स को, उनके लिए शॉर्टेज कर देगा। तो ये हमारे को बड़ा एक आपके जरिए हमारे को पब्लिक को भी बताने का ये मौका मिल रहा है कि आप जो है मास्क जो है जुडिशियसली यूज कीजिए और ग्लव्स की कोई आवश्यकता नहीं है जनरल पब्लिक में यूज करने के लिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो डॉक्टर्स नर्सेस के ऊपर छोड़ दीजिए जो फ्रंट के ऊपर सिपाही की तरह लड़ रहे हैं।